वी आर स्टार्टिंग विथ कोर ऑफ सेक्शन. कौन सा टॉपिक चालू कर रहे हैं हम लोग? कोर ऑफ सेक्शन. क्या कर रहे हैं हम लोग? मॉस रिवीजन. वी आर स्टार्टिंग विथ मॉस रिवीजन. वी आर स्टार्टिंग विथ मे 2024 पेपर सॉल्विंग. कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं? मे 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. चलो, मॉस का रिवीजन चल रहे हैं. मे 2024 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कौन सा पेपर का सम ले रहा हूं? मे 2024 का. टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं हम लोग. तो अभी का टॉपिक का नाम है कोर ऑफ सेक्शन. क्या नाम है? कोर ऑफ सेक्शन. देन कोर ऑफ सेक्शन ये टॉपिक का नाम है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डिफाइन कोर ऑफ कर्नल ऑफ अ सेक्शन. कोर मतलब हार्ट होता है, डिफाइन करो. विक्टोरियस के बुकलेट में जाओगे, जो चार पेज का पीडीएफ वो दी भेजा है, उसमें कोर ऑफ सेक्शन का एक लाइन लिखा हुआ है, बराबर वो लिख लेना. फिर उसके बाद पूछा है, लोकेट द कोर ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ 300 mm एंड डेप्थ 400 mm. क्या बोला क्वेश्चन? लोकेट, कौन सा क्वेश्चन नंबर? ये वन का सी है, मे 24 क्वेश्चन नंबर वन का सी है. मे 24 के पेपर का क्वेश्चन नंबर वन का सी है. क्वेश्चन है, लोकेट कोर ऑफ सेक्शन ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगल सेक्शन हैविंग विड्थ कितना दिया हुआ है? विड्थ कितना दिया हुआ है? 300 mm. और डेप्थ कितना दिया हुआ है? 400 mm. ठीक है, इज इट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डेटा में प्रॉब्लम है आपको? नहीं. शुड आई स्टार्ट द न्यूमेरिकल? कर्नल मतलब कोर. कर्नल कोर एक ही है. कोर ऑफ सेक्शन या कर्नल, कोर ऑफ कर्नल और लिखा है, देखो बाजू में. हाँ, यस, दोनों का एक ही मतलब है, बीच में और लिखा हुआ है. देन सबसे पहले क्या करूंगा मैं, आप बताओ क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, बराबर. रेक्टेंगल ऐसा बनेगा. क्यों ऐसा बनेगा सर? क्यों ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स? बिकॉज बी छोटा है, करेक्ट? इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ये कौन सी एक्सिस? ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. कोई डाउट है? यहां पे क्या लिखू, यहां पे क्या लिखू? टी. स्टेप्स बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? एरिया, एरिया का फॉर्मूला बोलो, बी इंटू डी. सेकेंड स्टेप, बराबर. सेकेंड स्टेप बोलो क्या करने का? इनर्शिया, आई एक्स एक्स बोलो. बी, परफेक्ट, आई वाई वाई. पीछे करवाया सॉल्व, देख के बोलो, डी बी क्यूब बाई 12. नेक्स्ट स्टेप बोलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, वाई. देखो ये एक्स एक्सिस की तरफ फोल्ड कर रहा हूं तो डी बाई 2, करेक्ट है. और वाई ऑफ वाई, बी बाई 2, करेक्ट है. यूनिट डालते जाएंगे, एरिया का यूनिट बोलो, एमएम स्क्वायर. सॉरी, आई एक्स एक्स, यम 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 यम. नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 बोलो, क्या? जेड एक्स एक्स बोलो, अपन वाई ऑफ एक्स बोलो, और जेड वाई वाई बोलो. हो गया? बस यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? तीसरा स्टेप देखो, y x, y मतलब डेप्थ, इसको बोलते हैं y, अलोंग द x एक्सिस. इसको फोल्ड मार, कपड़े को फोल्ड मारता है, ये तेरा कपड़ा है, तो d by 2. समझा? एलसी में वैल्यू डालना है, आंसर खत्म, सम हो गया. डायग्राम बनाएंगे, एक्टिंग मारेंगे, सम हो गया.
देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये आंसर बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा आंसर करेक्ट है, तू देख रहा है आंसर, देख ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, कलर कर रहा हूं, कलर कर रहा हूं, कलर कर रहा हूं, काजू कतरी, बराबर बोला बेटा, बराबर, इसको बोलेंगे ई वाई, इसको बोलेंगे ई वाई, करेक्ट, इसको बोलेंगे ई एक्स और इसको बोलेंगे ई एक्स, क्या मेरा सम खत्म हो गया है? नहीं, वैल्यू डालना बाकी है, करेक्ट, इसको ले लेता हूं मैं, करेक्ट, और मैं यहां पे रख देता हूं, ये आंसर रहेगा फाइनल, डन, चलो ध्यान देना, अभी बच्चा मेरा क्या पार्ट है वो देखना प्लीज, ई एक्स एक्स, चलो बोलो क्या लिखूं, स्टेप नंबर फाइव बोलो, ई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड एक्स एक्स अपॉन ए, करेक्ट है, और ई वाई टू ई एक्स एक्स कर लेंगे कैसे, हाँ लेस देन इक्वल टू ई है, करेक्ट है, ऐसा ही सेम ई वाई वाई, ऐसा ही सेम ई वाई वाई, ई वाई वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड वाई वाई अपॉन ए टू ई वाई वाई, करेक्ट है, आंसर आएगा एम एम में, 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 इज इट क्लियर, एम एम क्यूब, एम एम क्यूब, आया समझ में, प्लीज कंप्लीट करो फास्ट, एंड ये सब होने के बाद फिर ये डायग्राम बनेगा, बराबर, काजू कतरी, ये सम कितने मार्क का है, नहीं लगता बहुत इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ बोल भाई, रेडी सॉल्व करें, चलो बोलो एरिया कितना आया, कुछ तो नहीं होता है, दिख रहा है ये नंबर, ये नेक्स्ट 1 पॉइंट, नेक्स्ट आई वाई वाई, आगे सही है आंसर सारे, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हेन, देख बेटा ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है मेरे को बता, एक्स एक्सिस से दूर कितना जाना है मुझे, ई एक्स, ई एक्स कितना जाना है, ई एक्स 66.66, वैसे सेम इधर भी जाना पड़ेगा, तो इसको टोटल को क्या बोलेंगे, टू ई एक्स, और ये हो गया वाई एक्सिस से दूर, दूर ई वाई, ई वाई टू ई वाई, तो ऐसा एक काजू कतरी बना के आपको दे देना रहेगा शेड करके, मतलब इन शॉर्ट दिस विल बी योर आंसर, इधर लिखने का ई वाई और इधर लिखने का ई एक्स, अब बच्चे मिस्टेक क्या करते, इतना इजी न्यूमेरिकल मिस्टेक क्या करके आते, पूरा सम सही करते यूनिट गलत करते, पहला मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक वो बेवकूफ लोग इधर ई एक्स लिख के आते, एक्स एक्सिस लगता है ना और ये वाई एक्सिस लगता है, ऐसा नहीं, वाई एक्सिस से दूर ई वाई, तो ये टोटल टू ई वाई वाई हो जाएगा, ये ई वाई, ये ई वाई, टू ई वाई, एक्स एक्सिस से दूर ई एक्स, दूर एक्स एक्सिस से दूर, ई मतलब इसेंट्रिक,
फेंक रहा हूं इसेंट्रिक दूर, हो गया सम। शैल वी मूव ऑन विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, कौन से ईयर का पेपर का समय ये? दिसंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1B देन, देखो ये हर बार फिक्स है, व्हाट इज कोर ऑफ कर्नल, ये तो आता ही आता है। लोकेट द कोर ऑफ सेक्शन फॉर अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर कैसा है, हॉलो सर्कुलर एक सर्कल बराबर, बता रहा हूं बेटा, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं, करेक्ट। कोर ऑफ सेक्शन लग रहा है ये हॉलो रेक्टेंगल, हॉलो सर्कल, परफेक्ट। अभी इसके लग रहा है कोर ऑफ सेक्शन एक्सटर्नल डायमीटर दिया, थिकनेस दिया है। चलो ध्यान देना, ध्यान देना, ये कैपिटल डी हो गया, करेक्ट। ये यहां पे ये कैपिटल डी हो गया, करेक्ट। और ये जो पार्ट रहेगा ये स्मॉल डी रहेगा, परफेक्ट है बराबर। तो ये क्या होगा, टी बराबर गिवन, तो गिवन क्या लिखेगा दोस्त, बड़ा डी इज इक्वल्स टू 200 mm, टी इज इक्वल्स टू 20 mm, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस 2t, कैपिटल डी है 200 में से 40 गया तो कितना बचेगा, देखो यहां पे कोई 180 बोला बेवकूफ रहेगा, कौन बोला, ठीक है ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, चलो आगे बढ़ेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना आपके माइंड में। चलो स्टेप्स देखो, समझ के लो स्टेप्स क्या है। स्टेप्स पहला स्टेप क्या बोलता है, एरिया। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, इनर्शिया। तीसरा स्टेप वाई। चौथा स्टेप जेड। फिर इसेंट्रिसिटी एक्स वाई, इधर जेड एक्स जेड वाई, वाई एक्स वाई वाई, आई एक्स आई वाई, समझा। ये स्टेप्स है, इतने से सम हो जाएगा। अंश तू ये साइड में लिख के ले लेना, ठीक है। चलो सम पे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप वन एरिया, हॉलो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई बाय फोर बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर, कैलसी लेंगे आंसर डालेंगे। मैं वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, चलेगा ना। सेकेंड स्टेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे यहां पे, फाइव बाय 64 बड़ा डी रेस टू 4 माइनस छोटा डी रेस टू 4 4 बराबर आई वाई वाई, 5 by 64 बराबर बड़ा डी रेस टू 4 माइनस छोटा डी रेस टू 4। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई वाई, समझा। थर्ड स्टेप टैप ढूंढना है, ये देखो इज इक्वल्स टू बड़ा डी बाय 2। ये किसी ने आंसर बताया, ये दो आंसर्स, ये बदलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप जेड मॉडुलस ऑफ सेक्शन,
बोलो। वाई, चलो मुझे आंसर्स बता दो, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट अस डिस्कस द आंसर, बोलो आंसर्स बोलो। बोल आंसर बोल। 11 पॉइंट, वाई बोल। तेरा क्या ग्लिच हो रहा है रे? आगे बढ़े, आगे का स्टेप बोलो। ex इज इक्वल्स टू ey लेस देन इक्वल टू z अपॉन a, करेक्ट ना? exx इज इक्वल्स टू ey z z xx लो चाहे yy लो, कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता है। 46 पॉइंट, हाँ कितना आया? 466 पॉइंट, नहीं, 466.3 × 10³ अपॉन ए, एरिया कितना है? 11.30 × 10³, कैंसल कैंसल। ई एक्स एक्स ई वाई वाई कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ ई एक्स एक्स ई वाई वाई कितना हो गया? ध्यान देना, ये पार्ट को शेड कर देना। खत्म हो गया, नेक्स्ट सम पे चलू? अभी जो समय कितने, कौन से क्वेश्चन पेपर का है? December 22, क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कोर ऑफ सेक्शन, हर बार यही आ रहा है। लोकेट कोर ऑफ सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर 300 mm। सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है दोस्त? 300 mm है, करेक्ट है? ये डायमीटर है 300 mm। इधर देखो, इधर देखो, करेक्ट है? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये कौन सी एक्सिस? ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्टिंग कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं। डायमीटर कितना है बराबर? डायमीटर कितना है? 300 mm, 300 mm, करेक्ट है? डायमीटर है 300 mm। चलो यहां तक क्लियर है, काम की बात करते हैं, स्टेप्स देखते हैं। क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप? एरिया,
एरिया के बाद इनर्शिया, फिर वाई, फिर जेड, फिर ई, फिर ई टू ई। चलो स्टेप्स पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एरिया पाई बाय फोर डी स्क्वायर, पाई बाय फोर। डायमीटर कितना है, 300 का स्क्वायर। लेट अस मेक डी एज बड़ा डी, लेट अस मेक डी एज बड़ा डी। डन, सेकेंड स्टेप इनर्शिया, आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू डायमीटर कितना है बोलो, इंटू 10^2 बराबर। थर्ड स्टेप क्या है, जेड है कि वाई है, बोलो आंसर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई ना। बोलो आंसर, इसको इससे हा, बोलो आंसर बोल। ऊपर एक्स रखा उसके लिए, कुछ तो रखना था नाम उसके लिए रखा, ठीक है। वाई एक्स और ये वाई वाई तो सेम ही है ना, कुछ भी रख। बोल आंसर, 37.49, 2xx 2y बोलो। यूनिट बोलो, करेक्ट है आंसर बनाएंगे। देखो आंसर, बस वैल्यू डाल देना, सम खत्म। हाँ